हेलो स्टूडेंट्स हाउ आर यू माई सेल्फ मीत सर वेलकम टू एम जी मैस टूटोरियल तो स्टूडेंट्स आज हम देखने वाले हैं वेरी वेरी मोस्ट यूजफुल प्रॉपर्टी ऑफ एडजोइंट ऑफ मैट्रिक्स एंड इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स स्टूडेंट्स ये जे डबल ई मेन एंड एडवांस के पर्पज से बहुत आपको यूजफुल होगी तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं प्रॉपर्टी नंबर वन प्रॉपर्टी वन ये है

कैपिटल कैपिटल इसी तरह से हमने ये दे रखा हुआ है राइट अब स्टूडेंट्स मैं आपको ऐसा बोलता हूँ कि आप क्या कर रहे हो आपको जो भी मैट्रिक्स ए गिवन है उसी का आप एडजोइंट ऑफ ए ले रहे हो और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर रहे हो तो आपको आंसर क्या मिल रहा है डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू यूनिट मैट्रिक्स यानी डिटर्मिनेंट ऑफ ए ही होगा ये आपके लिए राइट स्टूडेंट्स अब मैं आपको यहाँ से ये यह बात बताना चाहता हूँ ये आपका मैट्रिक्स ए है जिसका ऑर्डर एन क्रॉस एन है इसलिए यहाँ पे आप देख सकते हो एलिमेंट ए वन वन एन टू ए वन थ्री अपन इसी तरह से इसके अंदर एन रोज है इसलिए ए एन वन ए एन टू ए एन थ्री अप टू अपू एन एन अब स्टूडेंट्स यही आपके पास जो मैट्रिक्स गिवन है ए इसी का आप एड जोइन ए फाइन कर रहे हो तो एड ए को लिखने का तरीका क्या होगा स्टूडेंट्स कैपिटल ए वन वन कैपिटल ए वन टू कैपिटल ए वन थ्री अप टू कैपिटल ए वन एन सेकेंड रो क्या होगी अपनी सेकेंड कॉलम क्या होगा स्टूडेंट्स ए टू वन ए टू थ्री अप अपू ए टू एन एज वेल एज लास्ट कॉलम ए एन वन ए एन टू ए एन थ्री और ए एन एन स्टूडेंट्स हमने एक बहुत अच्छी प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है अगर किसी भी डिटर्मिनेंट का हमें आंसर निकालना है तो क्या होगा रहेगा आप ये देख रहे हो ये एलिमेंट आपको ए वन वन दिख रहा है और इसका मल्टीप्लिकेशन करूंगा इसके को फैक्टर के साथ यानी क्या होगा स्टूडेंट्स आप देख सकते हो ए वन वन का मल्टीप्लिकेशन इसके को फैक्टर के साथ होगा यानी ए वन वन के साथ होगा तो आपको डिटर्मिनेंट की वैल्यू मिलेगी एज वेल एज मैं आपको ऐसा बोल रहा हूं कि ये जो एलिमेंट आपको ए वन टू दिख रहा है इसका मल्टीप्लीकेशन इसके साथ होगा तो भी आपको डिटर की वैल्यू ही मिलेगी यानी क्या करोगे आप इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करना है तो इसमें से आप रो वन उठाओगे और इसमें से कॉलम वन उठाओगे और इन दोनों के बीच में मल्टीप्लीकेशन करोगे यानी क्या होगा ए वन वन इंटू ए वन वन प्लस ए वन टू इंटू कैपिटल ए वन टू दिस इज द को फैक्टर्स ऑफ डिटरेंट एन थ्री इन टू कैपिटल ए एन थ्री एज वेल एज एन एन इन टू कैपिटल ए वन एन यानी जिस बार ये रो एंड ये कॉलम का मल्टीप्लीकेशन होगा तो वो आपको वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट यानी डिटर्मिनेंट की वैल्यू देगा अगेन स्टूडेंट सब बात करते हैं यही रो का मल्टीप्लीकेशन जब हम इस कोलम के साथ करेंगे तो क्या होगा ये रो एंड ये कॉलम का मल्टीप्लीकेशन हमने ऐसा पढ़ा है वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू एलिमेंट इनटू को फैक्टर ऑफ दिस एलिमेंट प्लस एलिमेंट इनटू को फैक्टर ऑफ दिस एलिमेंट प्लस एलिमेंट इनटू को फैक्टर ऑफ दिस एलिमेंट इसी तरह से एंड टाइम्स अगर ये एलिमेंट है ए वन वन इसका मल्टीप्लीकेशन कैपिटल ए टू वन से होगा यानी ये को फैक्टर ऑफ टू वन है और ये एलिमेंट वन वन है तो हम जानते हैं कि इसका मल्टीप्लीकेशन इसके साथ होते ही ये सारी वैल्यू यानी ये रो यानी ये एलिमेंट इसके साथ मल्टीपल हुआ ये एलिमेंट इसके साथ मल्टीपल हुआ ये एलिमेंट इसके, इसके साथ हुआ एज वेल एज़ ये एलिमेंट इसके साथ मल्टीपल होगा स्टूडेंट्स तो हम जानते हैं कि उसकी वैल्यू तो ज़ीरो आने वाली है तो यहाँ पे ज़ीरो होगा इसी प्रकार से स्टूडेंट्स यही रो का मल्टीप्लीकेशन ए थ्री वन के साथ थ्री टू के साथ थ्री के साथ करेंगे तो ये एलिमेंट भी जीरो हो जाएगा मतलब स्टूडेंट्स अगर एलिमेंट जो भी आपके पास गिवन है और उसी का आप फाइंड करते हो तभी आपको डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू मिलेगी वरना नहीं मिलेगी राइट right? तो यहां पे आप देख सकते हो सिर्फ आपको सिर्फ यहां पे फर्स्ट एलिमेंट ही डिटरमिनेट ऑफ वैल्यू ए दे रहा है। अब रो टू की बात करें तो यहाँ पे क्या होगा स्टूडेंट्स रो टू का मल्टीप्लीकेशन हम करेंगे कॉलम वन के साथ तो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन में आप देख सकते हो यहाँ पे टू वन है और यहाँ पे वन वन यानी कि ये सारा मल्टीप्लीकेशन हो जाने के बाद आपको आंसर तो जीरो ही मिलने वाला है लेकिन ए टू वन का मल्टीप्लीकेशन ए टू वन के साथ होगा प्लस ए टू टू का मल्टीप्लीकेशन कैपिटल ए टू टू के साथ होगा ए टू थ्री का मल्टीप्लीकेशन कैपिटल ए टू थ्री के साथ होगा अप टू अप टू ए टू एन का मल्टीप्लीकेशन कैपिटल ए टू एन के साथ होगा तभी आपको वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट मिल सकती है वरना बाकी ये एलिमेंट के साथ ये सारे एलिमेंट के साथ आपको जीरो ही मिलने वाला है अब बात करते हैं रो थ्री की यही सारे एलिमेंट इसके साथ मल्टीपल होंगे यानी ये आर थ्री के एलिमेंट इसके साथ मल्टीपल होंगे तो वो तो जीरो हो जाने वाला है एज वेल एज यही सारे एलिमेंट रो के और इसकी कॉलम टू के साथ मल्टीपल होंगे तो भी वो जीरो हो जाने वाले हैं अब स्टूडेंट्स आई थर्ड रो की बारी। ए थ्री वन तो यहाँ पे भी ए थ्री वन के साथ मल्टीपल होगा तो आपको वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट मिल जाएगा प्लस ए थ्री टू इंटू कैपिटल ए थ्री टू ए थ्री थ्री इंटू कैपिटल ए थ्री थ्री अपू टू ए थ्री एन इंटू कैपिटल ए थ्री एन इसका मतलब ये आपको थर्ड वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट मिल गया तो स्टूडेंट्स आप एन टाइम्स करते जाओगे तो क्या मिलेगा यहाँ पे कुछ आपको डायगोनल में वैल्यू ऑफ मेट्राइसिस मिल रही है जो आप देख सकते हो इसका मतलब स्टूडेंट्स हम इसके साथ मल्टीपल करेंगे तो आपको यही मिलने वाला है एंथ ऑर्डर का ऐसा आपको मैट्रिक्स मिल रहा है जिसमें जो प्रिंसिपल डायगोनल है उसमें सारे एलिमेंट ऐसे हैं जो वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट रिप्रेजेंट करते हैं इसका मतलब हम ऐसा लिख सकते हैं अगर इसमें से हम अ, डिटर्मिनेंट ए को कॉमन निकाल लें तो अंदर सारे जो भी बन रहे हैं एलिमेंट वो सारे वन 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 हो जाएंगे इसका मतलब ये एंथ ऑर्डर का यूनिट मैट्रिक्स है तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये उसका रिजल्ट ये रहा डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू यूनिट मैट्रिक्स ऑफ एन ऑर्डर तो स्टूडेंट्स ये प्रॉपर्टी वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ये मैंने आपको उसका प्रूफ समझा दिया अब बात करते हैं प्रॉपर्टी नंबर टू पे स्टूडेंट आपने प्रॉपर्टी नंबर वन देखी इसमें हमें ऐसा देखा था कि ए इंटू एट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटर अब मैं ऐसा बोल रहा हूं कि डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू अगर जीरो नहीं है अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ऑफ ए की वैल्यू जीरो नहीं है तो मैं क्या करना चाहता हूं दोनों की साइड डिटरमिनट ऑफ ए से डिवाइड लगाना चाहता हूं यानी इसके लेफ्ट हैंड साइड भी डिवाइड करूंगा डिटरमिनेट ए से और उसके राइट हैंड साइड पे भी मैं डिवाइड करूंगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए से तो क्या होगा स्टूडेंट्स यहां पे आप देख सकते हो ए इन टू ऑफ ए आपके पास था मैंने डिटर्मिनेंट ऑफ ए से डिवाइड लगाया एज वेल एज इस साइड पे भी डिटरमिनेट ऑफ ए से डिवाइड करूंगा तो क्या होगा डिटरमिनेंट ऑफ ए अपॉन डिटरमिनेट ऑफ ए वो तो कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे सिर्फ मेरे पास यूनिट मेट्रिक्स की वैल्यू बचती है राइट right? अब स्टूडेंट्स मैं इसको कोई प्रॉपर नेम देना चाहता हूँ कि अगर मैं ऐसा बोलूँ कि दिस इज माई ए इनवर्स तो क्या होगा ए इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू आई एन यानी यूनिट मैट्रिक्स ऑफ एन ऑर्डर तो यहाँ से आपको ए इनवर्स की वैल्यू मिली स्टूडेंट्स ये वैल्यू को हमने ए इनवर्स बोला था तो आप देख सकते हो ए इनवर्स इज इक्वल टू ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए और यहाँ से वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला दूसरा भी बनता है स्टूडेंट्स आप देख सकते हो एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू हमें बनानी है यानी हाउ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ए तो ये जो ऑफ ए ये इस साइड पे चला जाएगा तो क्या होगा एड ऑफ ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ एन टू इनवर्स वेरी वेरी मोस्ट यूजफुल फॉर्मूला स्टूडेंट्स हम आगे इसका यूज करने वाले हैं आगे बात करते हैं स्टूडेंट्स प्रॉपर्टी नंबर थ्री की के इन टू ए होल इनवर्स इज इक्वल टू ए इनवर्स अपॉन क्रे ये इसका आंसर है अब इसका प्रूफ देखते हैं स्टूडेंट्स हमने एक बात नोट की कि, कि किसी भी आपको मैट्रिक्स गिवन है और इसी मैट्रिक्स का मैं इन्वर्स करूंगा तो आंसर क्या आएगा आई तो मैं यहाँ पे सेम प्रोसीजर करना चाहता हूँ अगर मेरे पास मैट्रिक्स ऐसा फॉर्म में है के ए तो उसी मैट्रिक्स का मैं अगर इनवर्स करूंगा तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन आई एन या फिर आई देगा मेरे को अब मैं दोनों साइड दोनों साइड लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड ए इनवर्स से मल्टीपल करता हूँ तो क्या होगा के स्टूडेंट्स एक कोई भी रियल वैल्यू है इसलिए के की वैल्यू बाहर निकाल दी तो यहाँ पे क्या हुआ ए इनवर्स इन टू ए इज इक्वल टू के ए इनवर्स इज इक्वल टू ए इनवर्स आप यहाँ से देख सकते हो स्टूडेंट्स आई का मल्टीप्लीकेशन ए इनवर्स के साथ होते ही ये ए इनवर्स ही बन जाएगा अब स्टूडेंट्स इसका आंसर तो आप बता सकते हो ए इंटू ए इनवर्स हमने अभी पढ़ा ए इन ए इनवर्स इज इक्वल टू आई होगा तो इसको आई को हम वन भी लिखते हैं यानी यूनिट मेट्रिक से इसलिए उसको लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता तो के की वैल्यू एज इट इज यहाँ पे क्या हुआ के इन ए इनवर्स इज इक्वल टू ए इनवर्स लेकिन आपको तो के ऑफ ए इनवर्स की वैल्यू निकालनी है ना तो ये रहा आपका के ऑफ ए इनवर्स तो ये के को इस साइड पे भेज दूंगा तो आंसर क्या मिलेगा

हमने आगे अभी पढ़ा था स्टूडेंट्स कि अगर एड ऑफ ए आपको लिखा है मैं यहाँ पर आपको, आपको लिख देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए एड ऑफ ए की वैल्यू हमने रिजल्ट नंबर वन में से ऐसी निकाली थी डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू ए इनवर्स यानी यहाँ पे आपको जो भी मैट्रिक्स गिवन है वही मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट लेना है और वही मैट्रिक्स का इनवर्स इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन आपको एड ए देगा तो यहाँ पे मैं वही कर रहा हूँ स्टूडेंट्स ये ऑफ ए है अगर आप ऐसा सोचो तो ये क्या होगा डिटरमेंट ऑफ ए ए यानी ऑफ के इनवर्स एनिटर इसका मतलब के इन टू एनवर्स राइट अब के आपको मालूम है कि कोई भी रियल वैल्यू हो सकती है तो ये डिटर्मिनेंट से बाहर आ जाएगी तो क्या होगा के रेस टू एन यहाँ पे एन क्यों लिखा मैंने क्योंकि हम जानते नहीं है कि डिटर्मिनेंट है वो किस ऑर्डर का है अगर वो थ्री ऑर्डर का है तो यहाँ पे के रेस टू थ्री हो जाएगा अगर वो एनथ ऑर्डर का है तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं के रेस टू एन यहाँ पे डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू इज इक्वल टू स्टूडेंट्स आगे हमने अभी भी प्रूव किया के ऑफ ए इनवर्स का आंसर आता है ए इनवर्स अपॉन के तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ ए इनवर्स अपॉन के अब आप जानते हो स्टूडेंट्स कि यहाँ पे आपको के गिवन है और यहाँ पे के रेस टू एन और ये न्योमिनेटर में है और ये वैल्यू है वो डिनोमिनेटर में तो क्या हो जाएगा के एर एस टू एन माइनस वन इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू इनवर्स स्टूडेंट्स आपने अभी देखा कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू इनवर्स का आंसर तो आप जानते हो इज एडजॉइंट ऑफ है A. Answer, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं केन इंटू एट एडजॉइंट ऑफ ए दिस इज योर आंसर स्टूडेंट तो चलिए अब बात करते हैं प्रॉपर्टी नंबर फाइव

एडजॉइंट ऑफ ए का हम डिटर्मिनेंट लेंगे स्टूडेंट्स आप जानते हो ए इंटू एड जॉइंट ए का आंसर यही होगा जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है स्टूडेंट्स अब क्या करता हूँ ये रिजल्ट मेरे पास ऑलरेडी पड़ा हुआ है तो मैं दोनों साइड सब के डिटर्मिनेंट ले लेता हूँ तो क्या होगा यहाँ पे बनेगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए यहाँ पे क्या होगा एड जॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट और यहाँ पे ऑलरेडी डिटर्मिनेंट है तो ये सारी वैल्यू डिटर्मिनेंट के अंदर राइट अब आप यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे तो कुछ होने वाला नहीं है लेकिन यहाँ पे हम जानते हैं स्टूडेंट्स कि ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या है कोई भी वैल्यू है आपने डिटर्मिनेंट चैप्टर के अंदर पढ़ा है स्टूडेंट्स हम किसी भी डिटर्मिनेंट का आंसर निकालते हैं फॉर एग्जाम्पल डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालते हैं तो वो हमें वैल्यू ऑफ दिस मैट्रिक्स ही है ना यस इट मीन्स इट इज़ आइदर थ्री माइनस टू वन कुछ भी हो सकता है तो ये तो एक रियल वैल्यू है ये रियल वैल्यू ये डिटर्मिनेंट से बाहर आ जाएगी तो क्या होगा ये वैल्यू रेस्टू एन हमने आगे भी देखा था राइट right? तो ये हो जाएगा डिटरमेंट ऑफ ए रेस्टू एन इन टू आई अब आप यहाँ से देख सकते हो यहाँ पे भी आपके पास डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू है और ये वैल्यू भी इन द फॉर्म ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए है राइट right? तो मैं क्या कर सकता हूँ ये ए को ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए को डिनोमिनेटर में जाने देता हूं तो क्या हो जाएगा एड of ऑफ of जॉइट ऑफ ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए रेस टू एन माइनस वन तो देखो ये आपका प्रूफ मिल गया है यहाँ से अब बात करते हैं ऐसी प्रॉपर्टी जो बहुत आसान सी है जिसमें आपको कोई प्रूफ की ज़रूरत नहीं है आप ऐसे भी इसको याद रख सकते हो ये हमने आगे भी देखा था चलिए बात करते हैं एड of ऑफ ए बी अगर आपको गिवन है तो इसको हम किस तरह से लिखते हैं एट of ऑफ बी इन टू ऑफ ए एज एज वेल प्रॉपर्टी है ए बी इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स इन टू एनवर्स यहाँ फॉलो हुआ यहाँ पे बी आपको बाद में दिया था तो हमने पहला इसका बी ले लिया एज वेल एज यहाँ पे भी बी लास्ट में है तो हमने इनवर्स करते वक्त उसको आगे ले लिया ए इनवर्स इनवर्स ऑफ इसका आंसर ए आता है और एड ऑफ ए टू द डैश इसका मतलब एड ऑफ ए का ट्रांसफर्स करो तो जो भी आंसर आएगा वो किसके बराबर होगा आप सबसे पहले एड ऑफ ए निकालो और उसका ट्रांसपोज करो तो वो दोनों का आंसर बराबर आ जाएगा एज वेल एज एड ऑफ ए रेस टू के इसका आंसर क्या आएगा सबसे पहले आप एड ऑफ ए निकाल दो और उसकी के डिग्री कर दो, दोनों का आंसर इक्वल ही आएगा एज वेल एज स्टूडेंट्स इलेवंथ प्रॉपर्टी आप देख सकते हो एस ए ट्रांसपोज उसका इनवर्स निकालना है आपको तो आप ऐसा भी लिख सकते हो ए इनवर्स करो और उसका ट्रांसपोज निकालो दोनों का आंसर बराबर आएगा ट्वेल्व नंबर है ए प्लस बी इनवर्स नॉट इक्वल टू ए इनवर्स प्लस बी इनवर्स ये दोनों बराबर कभी नहीं हो सकते आगे प्रॉपर्टी है इज इक्वल इन दोनों का आंसर बराबर ही आएगा अब जो प्रॉपर्टी फोर्टीन है वेरी वेरी मोस्ट यूजफुल प्रोपर्टी स्टूडेंट्स उसका बहुत यूज देखने वाला हूँ 15 प्रॉपर्टी है डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ एन माइनस वन रेस टू टू आगे हम इसका प्रूफ देखने वाले हैं तो चलिए अब बात करते हैं प्रॉपर्टी नंबर 14 एंड 15 का प्रूफ को समझने के बारे में स्टूडेंट्स हमने प्रॉपर्टी नंबर वन के अंदर ये पढ़ा हुआ है एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए ए इनवर्स राइट right? तो मैं आपको ऐसा बोलूं कि ये एडजेंट ऑफ ए जो आप देख रहे हो ना ये सिर्फ एक मैट्रिक्स है यस दिस इज ओनली अ मैट्रिक्स तो आप ऐसा समझो कि ये एक सिर्फ आपको मैट्रिक्स गिवन है तो क्या लिख सकते हो आप आप ऐसा लिखोगे डिटरमिनेंट ऑफ ए तो यहां पे ना यही लिखा हुआ है डिटरमिनेंट ऑफ ए लेकिन यहां पे मेरा ए इतना बड़ा था इनटू ए इनवर्स तो ए की वैल्यू यहाँ पे क्या है एड ऑफ ए तो मैंने यहीं पे वही लिखा हुआ है एड ऑफ ए उसका इनवर्स लिया राइट अब स्टूडेंट्स हमने अगली एक प्रॉपर्टी ऐसी देखी थी प्रॉपर्टी नंबर जिसमें हमने ऐसा देखा था स्टूडेंट्स कि अगर एड ऑफ ए का आपको डिटर्मिनेंट निकालना है तो उसका आंसर क्या आएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू दी पावर एन माइनस वन और हमने ये प्रॉपर्टी भी पढ़ी हुई है एड ऑफ ए इज इक्वल टू डिमिनेंट ऑफ ए इन ए इनवर्स यहाँ से देख सकते हो आप स्टूडेंट्स तो यहाँ पे एडजेंट ऑफ ए की जगह पे लिखा है डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू ए इनवर्स होल्ड टू द पावर इनवर्स राइट तो इसको तो कोई चेंज नहीं होने वाला यहाँ पे अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि ए इनवर्स ऑफ इनवर्स इसका आंसर तो ए आएगा इसका मतलब क्या होगा कि ये हो जाएगा ए अब आपको ये वैल्यू भूलि ए इनवर्स टू दावर माइनस वन इसका मतलब क्या होगा माइनस वन पावर का मतलब ये डिटरमिनेंट ऑफ ए ही है ना इट मींस दिस इज अ ओनली वैल्यू दिस इज अ रियल वैल्यू राइट सपोज दिस इज अ थ्री अब इसका इनवर्स करोगे तो क्या होगा इट इज वन बाई थ्री तो मैंने यहां पे वही लिखा हुआ है वन अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए और ए इनवर्स ऑफ इनवर्स इसका आंसर तो ए हुआ अब स्टूडेंट्स आप यहां से देख सकते हो ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू दी पावर एन माइनस वन है और यहां में डिटर्मिनेंट ऑफ ए है तो क्या हो जाएगा ऑफ ऑफ ए ए टू दिस इज योर प्रूफ प्रॉपर्टी आगे बात करते हैं स्टूडेंट्स प्रॉपर्टी नंबर फिफ्टीन दिस इज वेरी मोस्ट यूजफुल प्रॉपर्टी टू सॉल्विंग एमसीक्यू स्टूडेंट्स क्यू स्टूडेंट चलिए आपको डिटरमिनेंट के अंदर एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू निकालनी है तो उसका आंसर आता है डिटरमिनेंट ऑफ ए रेस टू एन माइनस वन स्क्वायर आपने ये प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए क्या होगा आपने यहाँ पे भी लिखा था यस तो स्टूडेंट्स मैं ऐसा बोल रहा हूँ डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए की वैल्यू ये होती है डिटर्मिनेंट ऑफ ए रेस टू एन माइनस तो मैं ऐसा बोलूँ कि यह सिर्फ मेरे लिए ए वैल्यू है तो यही हो जाएगा ना एड ऑफ ए होल रेस्ट टू एन माइनस वन यस अब स्टूडेंट्स आपने एड ऑफ ए का डिटर्मिनेंट की वैल्यू भी अभी निकाली यहाँ से क्या होती है वो डिटर्मिनेंट ऑफ ए रेस टू एन माइनस वन तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ डिटर्मिनेंट ऑफ ए रेस टू एन माइनस वन और यहाँ पे ऑलरेडी एन माइनस वन था तो क्या हुआ डिटर्मिनेंट ऑफ ए रेस टू एन माइनस वन थी होल स्क्वायर स्टूडेंट्स आप देख सकते हो ये सारी प्रॉपर्टी वेरी वेरी यूजफुल है आपको एम सी क्यू सोल्व करने के लिए हम अगले सेशन के अंदर इसी टाइप के एम सी क्यू सोल्व करेंगे थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो